आज मैं आपको ना थोड़ा सा पावर बीम M5400 का ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, ये वायरलेस लिंक होता है और ये अगर आपका रिमोट एरिया है, ठीक है, थ्रो फाइबर या दूसरी लैन केबल नहीं है DSL, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि थ्रो पावर बीम के ज़रिए ना आप इनकी आपस में कनेक्टिविटी करके ना आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जो इधर जो भी ISP प्रोवाइडर होगा वहाँ पे वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये इसका चार्जर हो गया, मैं आपको सिंपल सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका चार्जर, जिसे POE स्विच भी कहते हैं। ठीक है, एक POE किसकी केबल जाएगी जो वायरलेस लिंक से इसके अंदर जाएगी, दूसरी उसकी लैन केबल के थ्रू आपके स्विच में जाएगी जो भी ATP लिंक वगैरह होगा। ठीक है, ये पावर बीम हो गया, ये कंटेनर टाइप होता है, ये सर इसका डिश हो जाता है। ठीक है, जिसमें वो अभी दे रहा हूँ ये इसका डिश हो गया। ठीक है, बाकी इंस्टॉलेशन के बारे में बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसे फिट किया जाता है इसके मुताबिक। ठीक है, और ये टावर पे लगाया जाता है, वन साइड टू साइड पे लगाया जाता है, एक साइड पे टावर साइड पे, दूसरी साइड पे ISP साइड पे जो आपको प्रोवाइड करती है कनेक्शन।